हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं 20 फीट बाई 40 फीट का हाउस प्लान है। इसको हमने बहुत ही शानदार तरीके से डिजाइन किया है। ये दोस्तों हाउस आपको शहर में बनवाए या देहात में बनवाए, हर जगह बहुत ही शानदार तरीका होने वाला है। इसी हाउस प्लान में आपको अंदर से स्टेयरकेस का सेटअप देखने को मिलता है, घर के अंदर दो दो मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है, बहुत सारी अच्छी अच्छी फैसिलिटी इस हाउस में आपको देखने को मिल जाती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे बेनिफिट क्या होगा, जब भी हमको न्यू वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे सबसे पहले नोटिफिकेशन बेल में चला जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानकारी आपको 3D मॉडल में बना के दिखाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये आपका कॉलम है। कॉलम की हाइट रहेगी दोस्तों आपको यहाँ पे 10 फीट देखने को मिलता है। ये देख सकते हैं ये सारा कॉलम वन बाय वन करके हम आपको खड़ा कर देते हैं। दोस्तों कभी भी आप घर बनाते सबसे पहले आपको कॉलम का ही काम कराना है, जिससे क्या होता है जो घर की मजबूती होती है वो आपको कॉलम पर ही रहता है और जो भी लोड आता है आपके घर का वो कॉलम के रास्ते जमीन तक ट्रांसफर होता है। दोस्तों जो रेनफोर्समेंट की बात करें तो ये वाले हाउस प्लान में आपको 4 रेनफोर्समेंट देना है ये कॉलम में। ठीक है, 4 एनफोर्समेंट 12 का देना है सीधा सीधा और आपको 10 mm का सरिया सेटिंग बनाकर 6-6 इंच की स्पेसिंग पे बंदी कर देना है। अगर जो आपका बजट अच्छा है तो आप इसमें 2 सरिया और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है। चलिए ये देख सकते हैं ये आपका जो घर है, ये कोई एंट्री के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेप बना देते हैं जिससे आप अपने घर के अंदर एंट्री कर पाएँ। ठीक है, तो देख सकते हैं इधर से ये आपका एंट्री के लिए यहाँ पर हमने बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये लाइन यहाँ पे हम आपको बना देते हैं। ठीक है, अभी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये लुक देखने को मिल जाता है। ठीक है, देखिए ये पूरा ओके हो गया। अभी चलिए इसके बाद हम आपको जो बाहर की दीवारें हैं उसको भी क्रिएट कर लेते हैं, उसके बाद अंदर की दीवार भी आपको क्रिएट करके बताते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं ये आपका जो बाहर की दीवार है वो आपका जो बाहर का जो दीवारें हैं वो आपको 9 इंच का बनाना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। दोस्तों 9 इंच का बनाने का आपका 2 फायदा है, एक तो आपको सेफ्टी पर्पज से भी अच्छा रहेगा, दूसरा फायदा आपका है जो आपके घर का जो पेंट होता है, जो इंटीरियर आपने पेंट कराया है या कुछ डेकोरेशन कराया है वो खराब नहीं होता है। इसलिए आपको कभी भी बाहर के जो दीवारें हैं वो 9 इंच का ही बनवाएं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमने बाहर की जो दीवारें हैं वो क्रिएट कर दिया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो हमने मार्किंग कर रहे हैं ये आपका प्लिंथ लेवल है। प्लिंथ लेवल दोस्तों क्या होता है, कहीं कहीं पर आपको कुर्सी लेवल भी बोला जाता है। ठीक है, ये एक ऐसा लेवल है जो आपके घर का लेवल और आपके घर के जो सामने ग्राउंड लेवल है वो दोनों के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, अगर जो आपका जो वेस्ट वाटर होता है वो आपको इजीली घर से बाहर निकल जाता है, जैसे कि मान लीजिए आपके घर के सामने नाली इतना ग्राउंड इतना लेवल पे है तो आपके घर का जो भी टॉयलेट का किचन का जो भी वेस्ट वाटर है वो बहुत ही आसानी से बाहर के साइड में निकल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको प्लिंथ की हाइट एक अच्छा हाइट रखना है जिससे आपको किसी भी प्रकार के फ्यूचर में परेशानी ना हो। ठीक है, तो चलिए इसके बाद हम आपको इंटीरियर की वाले क्रिएट कर देते हैं। इंटीरियर की वाले यानी पार्टीशन वाल, यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हम पार्टीशन वाल आपको बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से अभी हम यहाँ पे सारा पार्टीशन वाला लमसम बना दिए हैं। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको ये घर का देखने को मिलता है। अगर जो हम टॉप व्यू से दिखाएं देख सकते हैं ये आपको पूरा एरिया मिलता है, काफ़ी अच्छा हाल सा एरिया मिलता है और इस हाउस प्लान में आपको दो दो बेडरूम का भी सेटअप देखने को मिल जाता है। ठीक है, अभी हम स्टेयर केस की बात करेंगे। ठीक है, इसके पहले हम आपको इसमें डोर विंडो का सेटअप कर देते हैं, इसके बाद हम आपको स्टेयर केस का पूरा सेटअप करके दिखाएंगे किस तरीके से स्टेयर केस हम इस हाउस प्लान में देने वाले हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जब हम विंडो की बात करें तो आप एक यहाँ पे आपके घर के सामने काफ़ी बड़ा सा विंडो दे सकते हैं कुछ इस तरीके से। ये आपका गेस्ट रूम के लिए रहेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे हमने विंडो का सेटअप दे दिया। अभी हम चलिए मेन गेट जो है, देखिए यहाँ पे हम मेन गेट एक लगा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से यहाँ पे हम देखिए कुछ मेन गेट लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, या यहाँ पे आप एक छोटा सा आप अपना मेन डोर भी लगा सकते हैं, वो आपके चॉइस के ऊपर निर्भर करता है आप किस तरीके से सेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये जो आपका गेस्ट रूम वाला बेडरूम है ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरीके से हम डोर का सेटअप देंगे। ठीक है, डोर की जो साइज़ रहेगी वो 3 फीट 6 इंच की इसकी चौड़ाई और हाइट की बात करें तो कुछ 7 फीट का हाइट देखने को मिलता है। यहाँ पे देख सकते हैं ये किचन है, किचन की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पर भी एक फुल्ली किचन का सेटअप देखने को मिलता है, इसकी भी सेम साइज़ है। ठीक है, इसके बाद ये आपका मास्टर बेडरूम है। ठीक है, तो देख सकते हैं मास्टर बेडरूम में भी आपका जो डोर का साइज़ है वो सेम है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर आपका मास्टर बेडरूम है और इधर इसके पीछे अटैच टॉयलेट है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम एक डोर दे देते हैं। दोस्तों जो टॉयलेट का दूर होगा वो 2 फीट 6 इंच इसकी चौड़ाई और इसकी हाइट 7 फीट का देखने को मिल जाता है। ठीक है, देख सकते हैं पीछे भी आपको एक मास्टर बेडरूम देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी आपको एक डोर का सेटअप देखने को मिलेगा। ठीक है, ये देखिए ये इससे कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं डोर, उसके बाद से आप यहाँ पर देख सकते हैं टॉयलेट का कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होता है दोस्तों ये घर का पूरा डायमेंशन डिटेल। ठीक है, अब बारी आती है डायमेंशन डिटेल की, तो ये पूरे हाउस प्लान का हम आपको डायमेंशन डिटेल बता देते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये जो आपको बेडरूम है वो आपको 14 फीट 2 इंच की इसकी लंबाई, अगर चौड़ाई की बात करें तो सॉरी यहाँ पे देख सकते हैं इसकी चौड़ाई यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, यहाँ पे थोड़ा पकड़ नहीं रहता, देख सकते हैं 12 फीट की इसकी चौड़ाई हम इस साइड से मेजर करेंगे। ठीक है, तो देख सकते हैं इस कोने से ये कोने की देख सकते हैं ये 12 फीट इसको चौड़ा देखने को आपको मिलता है। ठीक है, तो आपको ये वाला लाइन हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से हम